नमस्कार, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दोस्तों, केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अपनी अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने पर 2 जून को आत्मसमर्पण करना है। आम आदमी पार्टी के संयोजक खुद की तुलना अब स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से करते हुए कह रहे हैं कि मैं भगत सिंह का अनुयायी हूं। यदि देश को बचाने के लिए मुझे 100 बार जेल जाना पड़ा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें अपने देश को बचाने के लिए जेल जाने पर गर्व है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मैंने पंजाब और दिल्ली के लोगों के लिए बिजली मुफ्त कर दी है, हमने अच्छे अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, ये सभी काम हमने किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इसे नहीं कर सकते, इसलिए वे केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके पास इसका एक भी सबूत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यदि केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया में कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जून को आम चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 200 से कम सीटें मिलेंगी, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को 300 से अधिक का आंकड़ा आराम से पार कर जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि मैं 2 जून को जेल जाने के लिए तैयार हूं, मुझे गर्व है कि मैं अपने देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। अंतरिम जमानत पर बाहर आने से पहले जेल में बिताए गए समय का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब वे जेल में थे तब उनका 7 किलोग्राम वजन कम हो गया था। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के वजन कम हुआ है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज है। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।